welcome back to my channel my name is ratika gupta and guys today we are going to talk about george pujta and frederick pollock guys this is going to be my last lecture on historical school of jurisprudence and thereafter we are going to talk about sociological school of jurisprudence as always guys if you're new to my channel and if you have not subscribed it yet please subscribe to my channel right now and yes if you enjoy learning with me you understand what i teach please like all my videos and do let me know in the comment section below guys let's get started with these two eminent jurists of historical school guys as they are jurists of historical school these people have definitely talked about historical interpretation of law and legal system but guys these two people these two jurists have not commented much on as to what is the evolutionary process of law but they have certainly talked about origin of law व्हाट फार्मुलेट्स द यू नो बिगिनिंग ऑफ रिवल्यूशनरी प्रोसेस व्हाट फार्मुलेट्स दी सोर्स ऑफ लॉ उस चीज़ पर डेफिनेटली इन्होंने बात करी है इसलिए इनकी लीगल थियरीज बहुत ही ब्रीफ बहुत ही छोटी हैं इफ़ आई टॉक अबाउट फ्रेडरिक आई टॉक अबाउट जॉर्ज पूछता इनके अकॉर्डिंग गाइज ही हैज़ मेड अ डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडिविजुअल विल एंड जनरल विल ये पॉइंट देखना दिस इज समथिंग विच इज़ हिज सोर्स ऑफ लॉ ही हैज़ डिफरेंशिएटेड बिटवीन इंडिविजुअल विल एंड जनरल विल ऑफ़ सोसाइटी बेसिकली गई इंडिविजुअल विल होती है मेरा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है वो मेरी इंडिविजुअल विल है वो मेरी मर्जी है उससे आप लोग सहमत हो या नहीं हो लेकिन वही जनरल विल क्या होती है सारे के सारे लोगों की जो सहमति हो ऑन सर्टन बेसिक इशूज दैट कॉन्स्टिट्यूट जनरल विल बेसिकली जनरल विल क्या होती है इट इज़ यूनिमिटी अमंग मेम्बर्स ऑफ अ सोसाइटी ऑन सर्टन बेसिक इशूज दैट कॉन्स्टिट्यूट जनरल विल जब एक चीज पे किसी एक बेसिक इशू पे सारे लोग जितने भी हैं सोसाइटी के उनकी सहमति हो वो होती है जनरल विल ऑफ सोसाइटी एज अ होल एट लार्ज

अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ लॉ यही है जब दो अलग अलग विल्स अलग अलग विल्स डेफिनेटली होंगी अगर एक सोसाइटी में लोग होंगे तो वहाँ पे लोगों में विल्स होंगी हर इंसान की इंडिविजुअल विल भी होगी एट द सेम टाइम सोसाइटी की जनरल विल भी होगी अगर सोसाइटी है लोग हैं तो विल्स भी होंगी और अगर विल्स हैं तो डेफिनेटली उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होगी और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए ही लॉ की एग्जिस्टेंस हुई है एंड ही यू नो दैट लॉ इज़ नीदर अ क्रिएशन ऑफ अ स्टेट नॉर ऑफ पीपल अलोन ना तो एक स्टेट ने उसको बनाया

यूज़ करते हुए लोगों को इंडिविजुअल्स को रिस्ट्रेन करती है रोकती है फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ देयर इंडिविजुअल विल और जनरल विल को प्रिवेल करती है प्रायोरिटी देती है ओवर इंडिविजुअल विल क्योंकि गाइस इंडिविजुअल विल एक इंडिविजुअल की है वो उसका सेल्फ इंटरेस्ट होगा लेकिन जनरल विल वो सोसाइटी एट लार्ज है तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे प्रायोरिटी देंगे जनरल विल को एंड दैट विल प्रिवेल एंड दिस इज द अल्टीमेट यू नो एम और फंक्शन ऑफ स्टेट इससे ज्यादा स्टेट का कोई फंक्शन नहीं है सिर्फ और सिर्फ इन दोनों विल्स में हार्मोनी क्रिएट करनी रिकॉन्सिलियेशन करनी ही हमारी स्टेट का एम है एंड दैट इज सोर्स ऑफ लॉ सिर्फ इतनी ही बात करी है जॉर्ज पुचता ने टॉक अबाउट फेडरिक पॉलट फेडरिक पॉलट ने तो इससे भी कम कमेंट किया उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूट्स द सोर्स ऑफ लॉ इज कस्टम्स अब टू यू की हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूडो स्टूडेंट्स में कस्टम्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है बिकॉज इट फॉर्म्स वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ वही चीज इन्होंने कही फ्रेडरिक पॉलोक ने कि कस्टम्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑरिजिन ऑफ लॉ है मोर ओवर जो हमारे प्रिमिटिव लीगल इंस्टीट्यूशन थे वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है इन्होंने कोई ज्यादा कॉमेंट नहीं किया ऑन सोर्स ऑफ लॉ और एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ लॉ बट दिस पर्सन कॉमेंटेड ऑन इंटरनेशनल लॉ उन्होंने इंटरनेशनल लॉ के पे बहुत कॉमेंट किया जैसे कि आप टोल यू इंटरनेशनल लॉ की बात हमने जॉन ऑस्टिन के यू नो कॉन्सेप्ट में करी थी जॉन ऑस्टिन की थ्योरी में उन्होंने साफ साफ कहा था कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूरस क्योंकि इंटरनेशनल लॉ इज द्ड ऑफ लीगल सैक्शन एंड फोर्स उसमें लीगल सैक्शन या फोर्स नहीं होते हैं इसीलिए इंटरनेशनल लॉ इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूर स्टूडेंट्स बिच वो सर्टनली बहुत ही ज्यादा एक नैरो स्कोप था यूर स्टूडेंट्स को समझने का उसी चीज पर इन्होंने कॉमेंट करते हुए कहा कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट मेयरली पॉजिटिव लिटी जैसे कि जॉन ऑस्टिन ने कहा था कि एक पॉजिटिव मोरालिटी है क्योंकि इसके अंदर लीगल फोर्स फोर्सेस सैक्शन नहीं है उसी चीज पे इन्होंने कमेंट करते हुए कहा कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट मेयरली पॉजिटिव मोरालिटी इट इज समथिंग मोर देन दैट एंड इट शुड नॉट बी कॉल्ड लॉ इन इट शुड बी ट्रीटेड एज अ लॉ प्रॉपर एंड इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड इट शुड फॉर्म एन इमार्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ यू स्टूडेंट्स इट मीनस ही वॉज संबली वॉज क्रिटिकल ऑफ जॉन ऑस्टि व्यूज एज टू इंटरनेशनल लॉ सो इतनी ही बेसिक ब्रीफ थ्योरीज है अबाउट जॉर्जरिकॉल गाइज इफ यूर Any doubts pertaining to it please feel free to comment in the comment box i'll be replying to all the doubts and queries till then guys keep learning keep shining stay safe and bye bye